तोहरी माँ के बीजेपी प्रवक्ता कहताड़ा कि लालू यादव चारा चोर हाँ, तो ये बात सुन लो बाबू कि भैंस हमार गाय हमार चारा हमार खा लेने बात खत्म। ठीक ढेर चरियाल बड़ा ना, तो चरियाल तो अरब निकल गई। जो विधायक जो पैसा दे दे के विधायक किन किन के सरकार बनाओ तड़ा गया ठा लग जाए। आ तीनों यादव भाई जलवा सबसे प्यार ये तो अहिर कृष्ण वासुदेव यादव जी और दूसरा लालू यादव मुलायम यादव। बाकी दुनिया में अहिर तो बहुत बना दे जाए, जो नहीं मन के तो अहिर कूट दिया। जो असली अहिर हो यादव हुई ये दोनों सिंह राव साहब हुई, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आरजेडी यादव और कांग्रेस को वोट देगा। देश के लिए कांग्रेस, यूपी के लिए अखिलेश, बाकी यूपी में बिहार में तेजस्वी है ये बना पूरा देश। बीजेपी छोड़ो, 16 तारीख के आवाताना अपन हीरो तो 15 तारीख के है देख ला आगे बा अपन शेर बैजनाथ यादव जी का बाबा बैजनाथ कृष्ण शंकर जी। करूंगा थाना जाऊंगा पुलिस नहीं थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटक देंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है, मैं जानता हूं। तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। तो जो करेगा मुकदमा केस कर लिया ढेरा ना, जब रिस भरल तो रिस भर जला। आ योगी जी खुद कहले बाना, योगी जी अपने योगी जी हमरो मुख्यमंत्री अस आदित्यनाथ अस अहिर ठीक ना। योगी जी य से यो योगी यो से यादव आ बैनर तो दिखाई देती जानते हो। कहीं गोपाल मिश्रा का दोस्त हैं दीपक यादव हमारा नाम हो, अमरीश गुप्ता का दोस्त हूँ। यादव जी आदित्यनाथ अहिर जी खुद बोल रहे हैं कि जो आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो क्या करेंगे। ये तो बा मऊ में मतलब मर रहा जा, झांसी में मर रहा जा, मथुरा में पता नहीं कहाँ कहाँ यादव को मारे, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए। बस एक बार पलट के जवाब दे दिया गया तभी दोनों खून खोले लागल। आए कहो ईरान लोग बीजेपी का ईरान लोग कहाँ बढ़ा गया जनता बहुत। लास्ट में वीडियो बना हमको व्यूज पैसा रुपया कमेंट लाइक शेयर ना चाहिए। दुई आदमी जाना दू जन भाई देखो कहावत सुन ले ना कि 10 गो दोस्त 100 गो दोस्त बनो से अच्छा बाकी 2 दोस्त 1 दोस्त बनाइए जो 1000 दोस्तों के बराबर हो। ठीक जय श्री कृष्ण वासुदेव तो हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर दिया जाए, गरिया कमेंट में गरिया लिया जाए, आज जब फरिया होगा फरिया लिया जाए ठीक ना। अरे हरीश्वर जी ना तो हरीश्वर जी बोर गिर भी आओ लड़बत लड़ पटको तो पटक दो बजब तो बाज के देख लो जनते नहीं कहा मौसम मौसम मुलायम अहिरु से जरे लुकाया कृत जईबू जादो जी के रे ललका ठाट जईबू। चश्मा लगा के अब तो स्टेज पे तुम ताली बजा रहे हो तो ताली सुख में बजाया जाता है, हंसी में बजाया जाता है, किसी के शोक सभा श्रद्धांजलि में नहीं बजाया जाता। वो लड़के बेचारा समझ नहीं पा रहा है उस लड़के के साथ खुद ही लोग राजनीति कर रहे हैं। और एक से एक जो ब्राह्मण समाज का हिंदू हिंदू सभा का अखिल फारसा लेके जो तुम लोग चलत रह जाए गैर कानून जी तो चलो ठीक है भाई सरकार आपकी जब सैया बना कोतवाल तो डर काहे का। तो अगर हिंदू बढ़ा तो आवो यादव जी के घर भी आवो, पंडित जी घर जाते रहो सबके घर आवो, सबका सुख दुख लो के मरल बा के कहाँ मरल बा। और ये बताओ 4 बजे 5 बजे भोरवा में केकरी है तू कथा पूजा चलो ठीक बा त्रिपंडी श्रीपंडी जो उनका आवत रहो चलो ठीक करा गई। बारिश हो रही है उस बारिश में तुम 4 बजे 5 बजे पहुँच गए पता नहीं कहाँ और तुम्हें तुम्हारे पास फोन गया उसके बाद क्या हो गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खुद पीठ पीछे वार के प्रेमचंद यादव के मार के भग गया है और लोग बाद में पता चला कि ये हुआ वो हुआ है। तुम्हारे पंडित जी के 3 भाई थे, एक भाई कैसे कैसे देहांत हो गया कहाँ पे है, दूसरा भाई जिसे प्यार था उसके साथ रहते यादव जी के यहाँ रहते थे हमेशा भाई यादव ब्राह्मण सम्मान के सम्मान किए, उसके मालूम था कि मेरा भाई चोर है जालिया है इससे बढ़िया मैं किसी और को दे दूँ। जी हमें नहीं पता कॉल किसका था, बस बोला गया खेत से रिलेटेड ही कुछ था। पापा बोले अभी मैं खेत देख के आ रहा हूँ, पापा गए खेत में और वो बाइक उसका बड़ा बेटा लेके अपने घर पे घर के पास चला गया और फिर पापा बस बाइक लेने वहाँ गए और वो पीछे से वार किया उन पे और वार करते ही वो वहाँ से भगा दिया गया, उसको भगा दिया गया वहाँ से। वार किया था? उसका बड़ा बेटा यहाँ था, बड़ा बेटा हाँ बड़ा बेटा तो था तो मैं बाहर कैसे था कहाँ था पीपरथक में किसके घर हिंदू धर्म में पूजा होता है कथा होता है ये बताइए। 6 बजे बारिश हो रही थी उस टाइम बारिश हो रही थी ना पीपरथक में किसके घर हिंदू धर्म में पूजा होता है।
वही सबसे वही है, वही मेरे पापा का कातिल है। और उसे विधायक भी सपोर्ट कर रही है, सरकार उसे नौकरी देने की बात कर रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, जातिवादी देख रही है। हम ये चाहते हैं कि उसे जो वो सलमणि त्रिपाठी हैं उसको अपने घर पे बैठा के रखे हैं, सारा सपोर्ट कर रहे हैं वो, और हमारे घर वो देखने नहीं आए कि उनको दोनों पक्ष में बात करनी चाहिए, हमारे घर भी आए वो, हम लोगों को भी मिलना चाहिए ना उनसे। आपके घर की पैमाइश हुई है, क्यों पैमाइश, उसके पीछे क्या रीजन है? घर गिराने की जो बात हो रही है वो, ये जो घर बना है, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने ये घर बनवाया है, और जब ये घर बना उस टाइम ना प्रधानी थी ना जिला पंचायत थी, हम लोग बचपन से ये घर को देख रहे हैं। अच्छा, अभी गांव की क्या स्थिति है, गांव में लोगों की क्या स्थिति? गांव में तो कोई लोग है ही नहीं, सबको फंसाया गया है इसमें, रिलेटिव्स वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, उन्हें भी फंसा दे रहे हैं इसमें। अभी गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है? गांव के लोग अब पता नहीं, औरतें ही हैं बस गांव में, कोई जेंट्स आदमी है ही नहीं गांव में, पूरी सबकी बहुत बुरी हालत हुई है गांव की भी। हमारे घर कोई अधिकारी नेता नहीं आ रहे मिलने, हमें भी देखा जाए ना, हमारी बातों को दबा दिया जा रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंचने नहीं दी जा रही। देवरिया से वो बात अलग है कि भाई अब वो जो जिनके नाम से जमीन है, और जमीन आके भाई आप किसी बुलवा के, चाहे दिमाग बुद्धि लगा के रोगा के बेचारा पंडित जी को बुलवा देंगे आप लोग, तो यादव जी खिलाफ गवाही दे देंगे। अब तुम जो लोग ब्राह्मणवाद जातिवाद कर रहे हैं, तो भाई यादव से ज़्यादा तो ब्राह्मण लोगों के ऊपर केस है, पाल गरेड़िया समाज पर केस है, राजभर समाज पर केस है, उसको उन लोगों को नहीं बुद्धि खुल रही है। दरअसल बाबू बात बाबू भोजपुरी में है कि प्रेम यादव के ऊपर तुम केस कर रहे हो, प्रेम यादव तो भाई मर गए, तो केस किस पे कर रहे, क्यों फंसा रहे हो मम्मी उसकी बेटी बहनों को? और यादव जी भी लोग कह रहे हैं कि जो गया वो गया, आप लोग प्यार के सम्मान कर मिलजुल के रहिए। और दूसरी बात भैया, अब सरकार तो हम लोगों के बात, चाहे सरकार केहू के होके, अब तो हम लोग जोन करे बात कर रहे, लेकिन हम तो यही सुने थे बीजेपी में यादव कम हो, लेकिन अहिरने के बदौलत बीजेपी चले ले, और कहता ना कि हमके सरकारी आवाज चाहिए, हमारे भाई की नौकरी चाहिए, बहन की नौकरी चाहिए, तो कौन स्वतंत्रता सेनानी है वो, का कारगिल के युद्ध लड़ गई ललका, आके रेजांगला युद्ध लड़ गई ललका, कि तो के मतलब सरकारी आवाज दिया, सरकारी नौकरी दिया गया। आज प्रेमचंद यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं घर बुलडोजर से गिरा दिए, अरे बुलडोजर से क्या गिरी, वो सोना आर्मी हो से, आर्मी हो से, अगले सौ से अमेरिका, ओकर नाम से धरती बनल भी है, ओकर नाम से महल। और एक बात आप जान जाइए, जिस दिन राजनीति फिल्म आप लोग देखे हैं ना, उसमें अजय देवगन ड्राइवर का लड़का रहा था, कहता हम ही चुनाव लड़ेंगे, लोग लगते हैं डिमोटिवेट का उल्टा सीधा बोलने, डिमोटिवेट करने के लिए, समझ जाइए, गिराने के लिए आत्मबल आत्मविश्वास। तो वही होता है, जब जब कोई छोटी बिरादरी का, चाहे कोई भी छोटा व्यक्ति होता कोई नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर वो उसका घर बन के चाहे आगे बढ़ के, तो लोगों के अंदर जलन होने लगी, साला वैरक देख हो, चमारा के देख हो, राजभरवा के देख हो, कुर्मिया के देख हो, कोरिया के देख हो, बनियामा के देख, हैदराबाद घर बना ले, हाउ गाड़ी ले, हाई कराता हाउ कराता, लोगों की जलन होने लगती है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक बात, तो हम लोग इतने समझदार रहा जाए, ये लोग इतने बलशाली रहना, तो कितने देश भारत बलवान रहना जाए, समझदार रहा जाए, तो भारत गुलाम कितने भी, उस समय तो आरक्षणों ना रहे हो, आरक्षणों बनाए, उस समय तो आरक्षण नहीं था, उसके बावजूद भी देश गुलाम हो गया। चलिए ठीक है, फूट डालिए राज करिए, और अब हम क्या बताएं, अब जो ना क्या नाम है कि जो 16 तारीख के आवाता ना अपन हीरो, तो 15 तारीख के है देख लो आगे बापन से बैजनाथ यादव जी का, बाबा बैजनाथ शंकर जी का वंशज जी आगे आई देखिए, इसमें साण देवता रुक रहे हैं बड़का। और बताओ ऊपर का राजभर, ये बताओ योगी जी के मोदी जी के बड़का झूठा बोले, भीख मांग माए घंटा बजे गाड़ी दे के आकर उल्टा सीधा बोला, वे जाके गोदी में लेके बैठा के मंत्री पद दे दिले, वहाँ से मंत्री पद दिया ही, चुनाव लड़ाता, अरे अरे अनभक्त, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी तो छोड़ो सो, चुल्लू भर दूध में डूब के मरो सो, अरे अनभक्त। दूसरी बात और, जो अखिलेश यादव जितना दीवाने हैं, मायावती जितने भी लोग, ऊपर का राजभर ने प्रेमचंद यादव जी के यहाँ जाके दिल की, यादव जी के घर भी गए थे वो प्रेम यादव, और फिर वो ब्राह्मण महाराज जो पंडित जी हैं उनके घर भी वो गए थे। वही नेता, वही नेता का कभी जात बिरादर धर्म नहीं होता है, वो नेता सबका होता है, देखिए दोनों घर तकलीफ हुई, दोनों घर गए, इसे सब गलती माफ कर दी, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी उनके दोनों बेटे ओम प्रकाश राजभर के, ओम प्रकाश राजभर फिर यादव अहिरो के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो फिर यहाँ गेयर में इना बाकी माफ हो गई तो हो गई, अहिरे खीस 12 बरिस स्वीकार उनकर। तो बाबू आज उन्हें सलभमणि तिवारी मानो त्रिपाठी जी महापात्र बना, महापात्रवा के बता दो कि कोई किसी भी समाज के ब्राह्मण सबका हम लोग पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए कि वो इंसान हमें आशीर्वाद देगा, प्यार देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका पैर छूए नमस्कार करें तो इसका मतलब आपके छोटे हैं या आपसे नीचे हैं या जो भी आप सोचते हो,
मनुस्मृति बाबू, तब हमारा बेस्ट फ्रेंड है गोपाल मिश्रा बाराबंकी जिला का, मार मारा 14 बंकी बना दी, तो गोपाल मिश्रा दीपक यादव बहुत जल्दी देवरिया में दौड़ लगा दिया जाएगा। प्रेमचंद की बीवी बोल रही है कि बंदूक हम निकाल के दिए हैं पुलिस वालों को, और कोई कह रहा हम बरामद किए हैं, और एक मिश्रा दूसरा मिश्रा ब्राह्मण यादव राजभर पाल सब लोगों को मिला के हम लोग लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, एक जानी बाना था एक तरफा नेतन के संगे घूमत आना विधायक सिंह के शरण में बना, अरे विधायक जी कबले तुम्हारे विधायक करी, तू तो हार गई ला चुनाव, पता नहीं कितने जीत गई ला, चलो ठीक है देवरिया की जनता जाने जितना ओबीसी एसटी समाज का बाड़ा जाए वो देख ले झटका है, सबसे कहला यादव बहुत बढ़िया रहो, यादव जातिवाद रहो, यादव भाई भाई यादव पावर बा, देख लो यादव के डाउन कर दे बा, तो तुम लोगों ने क्या हाल हुई, एकता बनाइए एक साथ आइए, और चंद्रशेखर रावण जय भीम आर्मी भाई, आप लोग आप भी अगर आ जाते तो मजा आ जाता, भीम आर्मी आए हाँ जय भीम बोल के शिकार हो जाए, और केहू को मैं जरूरत नहीं बा, या तो अखिलेश यादव जी आ रहे अनहोनी नहीं हुई तो आएंगे और शिकार को दोनों जगह जाएंगे, उनको जाना भी चाहिए दोनों जगह, भले वो ब्राह्मण समाज उसको जो बीजेपी के विधायक विधायक हैं और उल्टा सीधा बोल के भुलवा दें कि तुम जो दुबे जो लड़का बचाइए में ये मत मिलना उससे मत मिलना ये मत करना वो मत करना, तो ऐसी बात नहीं है, बता जब बीजेपी के ए टू जेड नेता बड़े बड़े आके लड़के से मिल रहे हैं, यादव जी से मिली नहीं इनसे मिली नहीं, जिसका मतलब यादव लोग खुलम खुला खुला, और सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी को अहिरवाना सर बीजेपी आ रहा तो उनका दे नहीं रहुआ, और जो रुदौली से हम बीटीसी के रुदौली से बहुत जो जीतते थे विधायक जी पता नहीं क्या नाम राम पता नहीं कौन यादव थे ग्रीशचंद यादव, कितना लोग कितना उरी अहिरबान सा मिले ना सा हमसे बड़ा बीजेपी बीजेपी कर रहा था, कहाँ बड़ा सर बीजेपी वाला ही रहा काहे ना बस पा तो दैया में खूना दैया में दू दौड़ा हो नसिया में दू दौड़े के पड़ी तब जाके अहिरे के पावर लौकी, आ तो जो करे मुकदमा केस कर लिया।